लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली कर्मी 23 नवंबर को करेंगे प्रदर्शन। जी हां, दिल्ली में बिल समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली इंजीनियर और कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। तर मंतर तक रैली भी निकाली जाएगी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने इसका आह्वान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर बिजली कर्मी 23 नवंबर को प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली में बिल समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मी 23 नवंबर को करेंगे प्रदर्शन। बिजली इंजीनियर और कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। लालबागा मैदान से जंतर मंतर तक निकालेंगे रैली। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने इसका आह्वान किया है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर 23 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में बिल समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, शुभकांत श्रीवास्तव। शुभकांत, ये बिजली कर्मचारी कितने संख्या में पहुंचेंगे और क्या कुछ मांगे हैं इनकी, जिनकी वजह से ये प्रदर्शन करने वाले हैं? कि ये बड़ी संख्या में लोग तैयारी किए हैं और सरकार को इन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम जो है बड़ी संख्या में आके वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, हर कोई ने ये जो है अपने अध्यक्ष को ये कहा है कि हम जो है इसमें सम्मिलित होंगे। और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 और निजीकरण के खिलाफ के साथ ही पुरानी पेंशन बहाली और प्रदर्शन रैली की जाएगी। यह रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रारंभ होकर जंतर मंतर तक जाएगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि बिल पारित कराने की एक तरफा कार्रवाई हुई तो देशभर के बिजली कर्मी हड़ताल करेंगे। ठीक है, इनके साथ ही उनकी अन्य मांगों में भी बिजली कंपनियों का एकीकरण और आउटसोर्सिंग समाप्त कर संविदा कर्मियों को नियमित करने की भी मांग शामिल है। ठीक है, इनकी चेतावनी की वजह से क्या कोई शासन या प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया? अब स्टेटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने भी ये कहा है कि लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अपॉइंटमेंट बिल 2022 को संसद की ऊर्जा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी ने अभी तक बिजली कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं को इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की है। बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों को विश्वास में लिए बिना इस बिल को संसद में पारित कराने का किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध ये लोग करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने देश के तमाम ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन सब ने मिलकर संसद की ऊर्जा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को ये चिट्ठी जो है भेज दिया है। ठीक है, हालांकि स्टैंडिंग कमेटी ने अभी तक बिजली कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं को इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, तमाम जानकारी जो है इनका विरोध जी तरह से किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभकांत। और ये थे हमारे सहयोगी शुभकांत, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि किस वजह से अपनी जो मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे ऑल इंडिया के जो बिजली कर्मचारी हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और अपनी मांग रखेंगे कि उनकी मांगों को जो बिल है बेसिकली ये उसके लिए ही यहां कूच करेंगे दिल्ली और अपना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो इन्होंने चेतावनी दी है कि ये उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।